फिर से एक बार स्वागत है एआईसी टेक के यूट्यूब के चैनल पे। तो ये हमारा हिंदी का सेट नंबर 8 है और एमएस वर्ड के सीरीज में हमारा ये सेट नंबर 3 है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑटो करेक्ट फीचर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? तो डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सही करने के लिए। होता क्या है कि आप एमएस वर्ड में आप टाइपिंग करते हैं तो देखेंगे इसका यूज ऑटोमेटिकली होता है कि अगर आप मान लो कोई वर्ड टाइप कर रहे हो उसका एक वर्ड आपका या तो मिसिंग हो जाता है बीच का, या दिस लिख रहे हैं तो मान लो उसका आई पहले दब गया या बाद में दब गया तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो वो किसके मदद से होता है? ऑटो करेक्ट फीचर्स की मदद से हो जाता है आपका वो सही। दो नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कमांड्स के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बी। हम आपको ये करके भी दिखा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा गो टू, रिप्लेस और फाइंड। तो इसके लिए हम मान लीजिए, चलिए रिप्लेस के लिए हम डायलॉग बॉक्स खोलते हैं, कंट्रोल के साथ एच दाबने से शॉर्टकट की हम इसका इस्तेमाल करें डायरेक्ट। तो देखिए हमने अगर रिप्लेस को खोला है तो इसमें फाइंड भी है, रिप्लेस भी और गो टू भी है। ये तीनों कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स अवेलेबल होता है, एक ही डायलॉग बॉक्स में आपका सारा चीज आ जाता है। तो इसीलिए कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है? तो वो है आपका गो टू, रिप्लेस और फाइंड। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला तीन नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा रिबन टैब वर्ड 2010 में नहीं होता? तो देख लीजिए, आपको होम तो होता है, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, देखिए होम है आपका, टूल्स ये नहीं होता है। तो याद रखिए इसका आंसर होगा आपका टूल्स, कि अब आपको वर्ड 2010 में या वर्ड 2019 में या 14 में कोई भी वर्ड का अगर नया सॉफ्टवेयर है आपके पास उसमें आपको ये टूल्स ऑप्शन अब नहीं मिलता है। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? सेव एज कमांड का इस्तेमाल करके आप किस फॉर्मेट में सेव कर पाएंगे? तो ऑप्शन है HTML, XML, वेब पेज, ऑल ऑफ एवब। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एवब, मतलब उपरोक्त सभी। तो क्यों होगा? तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए हम सेव एज खोलते हैं, तो सेव एज का शॉर्टकट क्यों होता है? F12। जैसे आप F12 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपका खुला। हमको यहाँ कह रहा है डॉक्यूमेंट का आप नाम लिखिए, सेव एज टाइप किस फॉर्मेट में चाहते हैं आप सेव करना हो। तो आप इसको खोल के एक बार देखिए, जरा देखिए आपको कितना सारा ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंपल सा आंसर है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी की। ये सारा चीज आपको मिलता है किसमें? एमएस वर्ड में सेव करने के लिए। पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है? तो प्रिंट, जैसे आप कंट्रोल के साथ पी दाबेंगे तो आपका प्रिंट के लिए ऑप्शन खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स, उसमें आपको ऑल भी होगा, करंट पेज भी होगा, पेजेस भी होता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका मतलब हो गया कि आपको ये तीनों ऑप्शन पेज सेटअप के पेज पे मिलेगा रेंज में। अगला क्वेश्चन हमारा सिक्स है, हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं? तो हेडर और फुटर को बदलने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हेडर और फुटर पे ही जाना होगा। इंसर्ट में आपको हेडर और फुटर मिलता है, इसका हम लोग इस्तेमाल नॉर्मली हेडिंग लिखने के लिए करते हैं। तो हेडर फुटर को चेंज करने के लिए आपको कहां जाना होगा? हेडर और फुटर में ही। सात नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है, वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? तो इसका आंसर होगा नॉर्मल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आठ है, तो वर्ड की फाइल में क्या क्या हो सकता है? कि जब हम इस वर्ड में फाइल बनाएंगे इसमें हम क्या क्या हो सकता है हमारा? तो टेक्स्ट तो हो ही सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है। तो इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ एवब, उपरोक्त सभी आंसर हो गया आपका इसका। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी है? सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक समझते होंगे आप लोग, अगर नहीं समझते हम समझा देना आपको। देखिए ये पहले इसका आंसर है कंट्रोल प्लस आई, हम आपको दिखा रहे हैं करके। तो अब देखिए हम इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल के साथ अगर आई दबाएंगे तो ये इटैलिक में भी है, नॉर्मली ये सीधा हो गया, इटैलिक आई दबाए देखिए टेढ़ा होता है, इटैलिक में आपका लेटर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं इटैलिक। उसके लिए शॉर्टकट क्यों हो गया आपका कंट्रोल प्लस आई। क्वेश्चन दस नंबर हमारा कह रहा है, डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? याद रखिए एक लाइन को सिलेक्ट करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपके लिए? तीन बार क्लिक करके, दो बार क्लिक करके, चार बार क्लिक करके स्क्रॉल बटन द्वारा? तो इसका आंसर है चार बार क्लिक करके, हम आपको दिखा रहे करके। मान लीजिए हमको इस लाइन को सिलेक्ट करना है पूरा लाइन को, तो आप क्या कीजिए इस पे चार बार क्लिक कीजिए जल्दी जल्दी, तो देखिएगा आपका ये पूरा लाइन जो है क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो 10 का आंसर हो गया आपका सी,
अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ऑटो टेक्स्ट। जैसे आपके फॉर्म में टेम्पलेट्स होता है उसी तरह कंप्यूटर में ऑटो टेक्स्ट होता है, जो पहले से लिखा हुआ कुछ लाइन होता है जैसे डियर सर डियर मैडम, तो ये सब आप डाल सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, विशेष चिन्ह, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंबल। आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके सिंबल पे जाएंगे तो जो चीज आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा वो आपको सिंबल में जाके मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ड में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट कुंजी होती है, तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एन, दबाएंगे तो शॉर्ट नया पेज बन जाएगा आपका। फाइल को खोलने की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है, तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस ओ। पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं फुट नोट। पेज के नीचे अगर लिखा हुआ है तो फुट नोट कहलाएगा, और डॉक्यूमेंट के लास्ट में अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसको एंड नोट कहते हैं। तो हमें यहाँ कहा जा रहा है पेज के नीचे, उसी पेज के नीचे लिखा हुआ है तो ये फुट नोट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, बाई तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप डैश कुंजी प्रेस कर सकते हैं, तो इसका आंसर होता है आपका बैक स्पेस, आप मिटा सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ऑप्शन के द्वारा सभी टूल बॉक्स स्क्रॉल बार टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट जाते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका फुल स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहां से इंसर्ट कर सकते हैं, तो पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्रॉम फाइल के ऑप्शन से आएगा पिक्चर डालने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रूलर कमांड का क्या कार्य होता है, तो इसका आंसर है रूलर बार को दिखाना या छिपाना। देखिए हम आपको करके दिखा रहे, व्यू पे जाएंगे रूलर पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ पे जो रूलर अभी आपको दिख रहा था इंच में वो खत्म हो गया, फिर व्यू पे जाएंगे रूलर पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका रूलर वापस आ गया। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग होता है, तो इसका आंसर है आपका बुक मार्क। ठीक है, बुक मार्क करते हैं ताकि हम उस लोकेशन पर आराम से जा सके, डॉक्यूमेंट में ही चिन्हित करना है, अगले दूसरे पेज में दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर जाना होता तो हाइपरलिंक आंसर होता, लेकिन उसी कराए निश्चित लोकेशन पहुंचने के लिए, तो इसका आंसर हो गया बुक मार्क। तो ये हमारा सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका अलग से आपको वो जैसे हम रूलर का आपको करके दिखाए प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल करके उसी उसका वीडियो आपको डाल देंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं दिक्कत है तब इसको आराम से आप पढ़िए, दो तीन बार याद कीजिए, क्योंकि ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना।